So this is me, Marvia Malik, Pakistan's first transgender news anchor, also president of Khawaja Sira Society, and also a model. डेढ़ साल हो चुके मुझे ऐसा न्यूज़ एंकर काम करते हुए और दो साल हो गए मुझे मॉडल करते हुए और खाजिस्तान सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनते हुए भी मुझे आई थिंक सो डेढ़ साल हो गया तो अपने इस सारे करियर में मैंने इन्होंने भी चंद लाइनों में मेरा इंट्रो करवा दिया मैंने भी करवा दिया तो सिर्फ एक मिनट का आई थिंक सो टाइम लगा होगा इंट्रो करवाने में लेकिन ये स्ट्रगल यहाँ तक पहुँचना ठीक है वो मैं जानती हूँ कि 22 साल की एज में मैं यहाँ तक किस तरह पहुँची और कितनी मैंने स्ट्रगल की विदाउट फैमिली विदाउट फैमिली सपोर्ट किसी भी किस्म की सपोर्ट नहीं अगर देखा जाए किसी भी इंसान का कोई सहारा ना हो तो गवर्नमेंट जो भी होती है उसका सहारा उसका माँ बाप गवर्नमेंट होती है सो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में अगर देखा जाए तो इस सोसाइटी में कोई भी नहीं है सॉरी टू से अभी यहाँ पे मेरे आने से पहले ब्रेक से पहले एनिमल राइट के ऊपर बात हो रही थी ठीक है वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी और मुझे नाम उनका आता भी नहीं है वो एनिमल्स के राइट के ऊपर बात कर रही थी डंकीज के बारे में डॉग्स के बारे में ठीक है अगर देखा जाए हमारी सोसाइटी में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सॉरी टू से डंकीज से और डॉग से कम नहीं है जिस तरह आप सभी इस सोसाइटी उनके साथ ट्रीट कर रही है और कंटिन्यूसली करती जा रही है कहना चाहूँगी कि आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है लोगों में जो एजुकेटेड लोग हैं वो बदल रहे हैं उनके बिहेवियर्स बदल रहे हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हाल भी लिहाज से डंकीज और डॉग्स की तरह ही है हमारी सोसाइटी में सो इस सोसाइटी में एक ऐसी बदली उठती है जो कि पहली ख्वाजा सरा न्यूज़ एंकर के तौर पर सामने आती है बीबीसी सीएनएन फॉक्स न्यूज़ वॉइस ऑफ अमेरिका हर जगह पे डॉक्यूमेंट्रीज चलती है इवन इंडिया में मेरे 17 ऑनलाइन थ्रू स्काई टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया टीवी इंडिया टेलीविजन पता नहीं किस किस नाम से 17 मतलब मेरे लाइव इंटरव्यूज हो चुके हैं वहाँ पे इंडिया बड़ा मिर्च मसाला लगा के ये बात कही गई कि हमसाया मुल्क से अच्छी खबर आ गई जहाँ से कभी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं थी वहाँ से एक अच्छी खबर उठी और अच्छी खबर आ गई जी हाँ खबरें पढ़ने वाले को देख खबर बन गई पाकिस्तान की पहली खाजस्ता न्यूज एंकर का नाम है मारविया मलिक यानी मेरे नाम से पहले पाकिस्तान का नाम है ठीक है वर्ल्ड वाइड आई एम नॉट पाकिस्तान फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर आई एम वर्ल्ड फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था मेरे लिए फैमिली की सपोर्ट थी 19 साल की एज में फैमिली ने सीक आउट कर दिया ठीक है अपने लोगों में आई अपने लोगों को पहचाना उनका लाइफस्टाइल देखा मेरे पास खुली ऑप्शन थी डांस की फंक्शंस की सेक्स वर्क की सभी चीज़ों की ठीक है समझा उन लोगों को कि ये सब क्यों करते हैं किस वजह से करते हैं और क्या फ़ायदा क्या है इस चीज़ का नुकसान क्या है इस चीज़ के लिहाजा एज अ मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काम स्टार्ट किया मैंने मैं उन सब लोगों के नाम लेना चाहूँगी स्पेशली जिन्होंने मुझे हेल्प किया सपोर्ट किया जिन्होंने मारविया मलिक की समझने की बुनियाद रखी सादिया फती सादिया ब्यूटी सलोन में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती रही उन्हीं से ट्रेनिंग ली उन्हीं ने मेरा फोटोशूट करवाया एक डिज़ाइनर आया वहाँ पे जिनका नाम था हमजा बुखारी उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि मॉडलिंग करना चाहूँगी कहा क्यों नहीं मैं तो करना चाहूँगी मैं तो ऑलरेडी स्टडियर थी उन्होंने मुझे चांस दिया जीन ब्रांड के नाम से मेरा फोटोशूट हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई सोशल मीडिया पे हर जगह पे मतलब मैं फेमस हो गई गूगल पे आ गई मैं उसके बाद फिर स्ट्रगल तो नहीं जा रही थी साथ साथ स्टडी भी कर रही थी भी ऑफिस का मेरा सलोन था तो मेरी कोशिश ऐसे हुआ करती थी कि जहाँ पे भी
कोशिश करती थी जॉब की अपॉर्चुनिटी होती थी फ़ौरन सी वी लेके फॉर्म जाया करती थी. इसी तरह मुझे पता चला कि क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन इन मीडिया स्टडीज़ की है, पता चला कि टीवी चैनल में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रीलॉन्चिंग होनी है. तो मैं भी पहुँच के वहाँ पर पहले तो कितने मुझे जज ही नहीं किया कि यू आर ट्रांसजेंडर पर्सन. ठीक है, मुझे एज अ फीमेल ही ट्रीट किया गया. मेरी सी वी के ऊपर मेरी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी. तो फिर उन्होंने हैरान हो गए कि वाकई आप ट्रांसजेंडर हो, आपका बिहेवियर, आपका उठना बैठना, आपकी हर एक चीज़ हम आपको जज नहीं कर पा रहे. ठीक है, फिर उन्होंने दो दिन का टाइम लिया मुझसे. और फिर जनाब मार्विया मलिक 23 मार्च वाले दिन 2018 को, ठीक है, 2018 में, हाँ 23 मार्च में, ठीक है, वो पूरी दुनिया में मतलब सोशल मीडिया के थ्रू एक खबर फैल गई. और माशाल्लाह अल्लाह ताला के साथ में बहुत ज़्यादा इज्जत दी और काम भी करके दिखाया. मैंने अपने इस एक्सपीरियंस में ये चीज़ नोट की है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सेक्स वर्क करती है, डांस करती है, ठीक है, उसके बाद सड़कों पर मांगती है, बैगिंग करती है, सब कुछ करती है. वो करते हैं, करवाता कौन है? मेरा ये क्वेश्चन है सबसे, करवाता कौन है? मैं न्यूज़ एंकर बनी तो किसने बनाया? मुझे आप लोगों ने बनाया, ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया. पूरी दुनिया में मेरे नाम से पहले पाकिस्तान का नाम रोशन था. मुझे पता नहीं कितने ऑफर्स आए, पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, ठीक है, मैं भी स्टिल पाकिस्तान में हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करना चाह रही हूँ. अच्छा, सेक्स वर्क की बात आती है जब, ठीक है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो सेक्स वर्क करते हैं, तो सेक्स वर्क तो भी फीमेल्स भी करती हैं, सभी करते हैं, तो फिर आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्यों? ठीक है, आजकल अगर देखा जाए तो डांस की बात की जाती है, वो डांस करते हैं, वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करते हुए मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत से लोग शर्माएंगे, बहुत से लोगों की हंसी भी निकलेगी कि क्या बात कर रही है, लेकिन ये रियलिटी है. मैं आज वो सारी बातें करूंगी जो कि समझ लो कि कड़वे सच हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने वो खुद देखे हैं, मैं खुद उस जिंदगी में रह के बाहर आई हूँ और देखे और अपनी कम्युनिटी को बदल रही हूँ. सब कुछ एक बड़ी आर्टिफिशियल सी दुनिया है, एक समझ लो कि हर तरह से जगमग सी है, जगमग सी है. लेकिन क्या आपको पता है कि जब ट्रांसजेंडर्स रात को अकेले भी लेटते हैं तो उनकी किस तरह की फीलिंग्स होती हैं? मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को दीवारों की तरफ देख के फूट फूट के रोते हुए देखा है. इवन मैं अभी भी स्पीच आपके सामने कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, और मेरा अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी मुश्किल से काबू कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने उन लोगों को देखा है और वो तार के भी आ रहा है. मैंने भी खुद उस तार को, उस फेस को मैंने आगे बढ़ी हूँ, उसको मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, और मैं जानती हूँ उस चीज़ को. मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोग जिनको अपने माँ बाप की सपोर्ट है, ठीक है, इस सोसाइटी की सपोर्ट है, आप लोग बहुत आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हो, बहुत आयाशी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हो. ठीक है, माँ बाप की सपोर्ट नहीं, सोसाइटी की सपोर्ट नहीं, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं, अकेले रहना है, अकेले खाना है, अकेले पीना है, अकेले अपने घरों के रेंट देने हैं, इस सोसाइटी में सर्वाइव करना, कैसे? क्या फैक्ट्रियाँ लग रही हैं क्या? कुछ ना कुछ तो करना है ना. जब आप जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दोगे तो और क्या करें? ऐसे तो चलो हो गया एक साइड से. मैंने उन लोगों को इतना डिप्रेस्ड देखा है हर चीज के हवाले से, हर चीज के हवाले से आपको बता नहीं सकती. दिन के अंधेरे, दिन की रोशनी में कभी भी आप इतने ज्यादा ट्रांसजेंडर्स को नहीं देखोगे, रात के अंधेरे में देखोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सी उनमें इस तरह की साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा से कमजोरी कह सकते हो, ठीक है, कि लोग बात करेंगे तुम्हें किस तरह के कपड़े पहने हैं, देखो जरा कितना ओवर मेकअप किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, सब कुछ, ठीक है, और रात के अंधेरे में निकलने ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करते हैं. जाहिर सी बात है, आप जब एक इंसान को अपने आप से दूर कर दोगे कि तुम गंदे हो, तुम बुरे हो, ठीक है, वो कितनी देर अपने आपको मनवाता रहेगा? एक बार मैं कहेगा वो कहेगा कि हाँ मैं गंदा हूँ, बुरा हूँ, ऐसे हूँ, मैंने ऐसे ही चलना है. ऐसा फिर कंपनी का शिकार कौन दिलाता है? हम खुद ही दिलाते हैं ना हम सबको, ठीक है, और खुद ही जाते हैं बेचारे, और क्या, ठीक है. इवन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ऊपर अभी पिछले दिनों डिप्रेशन का ऐसा बुरा फेस गुजरा कि मेरे बालों के लेंथ कितनी, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं था समझ आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. इंसान की लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अकेले फेस करना बहुत मुश्किल होता है. सो
मैंने रात के टाइम सीजन्स पकड़ी और अपने बाल करते हुए ठीक है. तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये क्या है मारिया, तुम इतने प्यारे तुम्हारे बाल थे, तुमने क्या हालत की ये वो ठीक है. तो आगे से मैंने भी कह दिया मेरे बाल मेरी मर्जी. इतना बुरा बुरा डिप्रेशन होता है, इतना बुरा बुरा डिप्रेशन होता है कि दो दो तीन तीन दिन मतलब मैं घर से बाहर नहीं कहीं से निकलती. और मैंने अपने लोगों को देखा है डिप्रेस किस तरह. आई एम ऑल्सो प्रेजिडेंट ऑफ खवाजा सिरा सोसाइटी. सो खवाजा सिरा सोसाइटी जो है वो बेसिकली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स के ऊपर काम कर रही है, उनकी हेल्थ पे काम करती है, उनकी एजुकेशन पे काम करती है, उनके जॉब्स के ऊपर काम करती है और जिस हद तक हो सके उनको इम्पावर करने की कोशिश करते हैं. हमारी एन जी ओ में डेली बेसिस पे बहुत से ट्रांसजेंडर्स ऐसे आते हैं, नॉट जस्ट ट्रांसजेंडर फीमेल्स ऑल्सो ट्रांसजेंडर मैन, वो आते हैं और अपनी स्टोरीज बताते हैं. हमारी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करती है, हमारे मोहल्ले वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्या करना चाहिए ऐसा ठीक है. तो मैं उनको कहती हूँ आपको ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलनी. आप जिस तरह जीना चाहते हो आप उस तरह जी, आपके पास मुकम्मल हक है शरई तौर पर माशरती तौर पर हर तरह से देखा जाए तो एक इंसान के पास पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकता है, चाहे वो जिस तरह मर्जी गुजारे. मेरी अपनी फिलॉसफी है लाइफ की कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ कर सकते हो जो आप करना चाहो बगैर किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुँचे. क्या होता है भाई मैं यूँ खड़ी हुई हूँ ठीक है, तो सब कह रहे हैं देखो जरा उस लड़की को देखो कितना खड़ी है ठीक है. अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी कमीज इस तरह हो गई ठीक है, कमीज आपके जितने हैं ये है वो है कुछ कह के आपको वहाँ पे डिग्रेड कर देते हैं ठीक है. सो मैं एक छोटी सी चीज़ देना चाहूँगी क्योंकि वो बंदी मेरा लव थी ठीक है. आई लव तंदीर बलोच. जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं, पहले उसकी याद नहीं आई, अभी याद आई, ड्रामा बन गया वाओ. पहले वो बंदी जब हर प्लेटफॉर्म पे जाया करती थी, हर प्लेटफॉर्म पे जाके कहती थी मुझे चांस दे दो, उसको चांस नहीं मिला. आफ्टर हर डेथ उसके ऊपर ड्रामा बन गया ठीक है. क्यों जब वो जिंदा थी तब क्यों नहीं उसको ये सब कुछ भी थी. मैं उससे बहुत इंस्पायर हूँ, मैं अभी भी उसके लिए, मैं अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी इंसान की डेथ के लिए रोई नहीं हूँ क्योंकि ये नेचुरल चीज़ है. फर्स्ट टाइम तंदीर बलोच की डेथ के ऊपर उसके मर्डर पे मैं रोई और फूट फूट के रोई क्योंकि वो बंदी को मैं जानती थी वो बंदी क्या थी ठीक है, वो किस तरह स्ट्रगल करके आगे आई थी. आई एम ऑल्सो स्ट्रगल लाइक हर. मुझे मीरा जी बहुत अच्छी लगती है ऑफकोर्स. मुझे अच्छा तो मुझे मीरा जी बहुत अच्छी लगती है. आप सब पूरी सोसाइटी देखते हैं इंटरनेशनली उनको कितना कहा जाता है हर इंग्लिश इज सो वीक, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती. लेकिन वो बंदी की हिम्मत है, उसके कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए. उसने कभी कैमरा छोड़ा नहीं, उसने बढ़ चढ़ के आगे काम किया ठीक है. उसने उस बंदी ने सारी चीज़ें वो की हैं जो कि लोग बहुत बुरा उनको कहते हैं. उस बंदी ने आज तक अगर देखा जाए तो उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया गया किसी भी चीज़ पर
थे ठीक है लेकिन वो बंदी स्टिल कैमरा फेस है मुझे इवन जब मैं आई इंडस्ट्री में मुझे मेरी कोलीग्स ने बहुत ज़्यादा बातें की कि ये तो ट्रांसजेंडर ये कैसा काम करेगी लेकिन मैं जब कैमरा पे आई तो वो कंपेयर करने लग गए ना लोग के फीमेल के साथ और ट्रांस के साथ तो अल्लाह का शुक्र है मुझे लोगों ने ज़्यादा पसंद किया सो बात सिर्फ इतनी कहना चाहूँगी अगर आपका बिहेवियर चेंज हो जाए अगर आप लोग एक इंसान को वो कहते हैं ना डोंट जज अ बुक ऑन इट्स कवर ठीक है आप इस तरह जज ना करो तो हर कोई एक जैसा ही है अल्लाह ताला की ज़ात ने हर इंसान को एक जैसा पैदा किया है उसकी खासियतें मुख्तलिफ हो सकती हैं उसकी आदात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन कोई भी इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है सब एक जैसे हैं अगर ये चीज़ आप सब में आ जाए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक साइड हो जाएगी हर चीज़ एक साइड पर हो जाएगी माशरे में प्यार मोहब्बत खलूस ये चीज़ पैदा हो जाएगी और स्पेशली अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कहना चाहूँगी जेंडर क्या है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि जेंडर इज़ इन योर माइंड नॉट इन योर अंडरगार्मेंट्स तो हम एक इंसान की ज़ाहरी साख को देख के क्यों जज करने लग जाते हैं कि इंसान को ये इंसान ऐसा है इसको ऐसे ही रहना चाहिए हमने इस सर्कल से बाहर नहीं निकालना ठीक है एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है और ये बात बिल्कुल सच है नेक ने नेक समझा बद ने बद समझा जिसका जितना जर्द था उसने उतना समझा अगर कोई इंसान में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो आगे बढ़ सके तो आप उसको बना सकते हो ठीक है मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँचती आप सबकी सपोर्ट ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया मैं चाहती हूँ कि आप सब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करो उनको आप ये फील करवाओ कि आप किसी से कम नहीं हो ठीक है जैसे आप किसी डिसेबल इंसान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि आ जाए मैं आपको ऊपर चढ़वा दूँ नीचे उतार दूँ या आपका काम कर दूँ कोई भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इस तरह फील करवाओ कि वो किसी से कम नहीं है किसी से कम नहीं है आप यकीन माने आपको ट्रांसजेंडर्स डॉक्टर्स बनते हुए भी नज़र आएंगे इंजीनियर्स बनते हुए भी नज़र आएंगे और मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ सालों तक अगर ये बिहेवियर चेंज हो गया तो इनके स्टूडेंट्स में भी ट्रांसजेंडर्स को मैं देखना चाहूँगी मुझसे मेरे इंटरव्यूज में काफ़ी लोगों ने ना पूछा मीडिया इंडस्ट्री के आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं मेरा उल्टा उन्हीं से जवाब सवाल था आपको बस फर्स्ट टाइम पता चला कि आप एक मर्द हो भाई जाहिर सी बात है छोटा बच्चा होता है वो जब बड़ा होता है तो ये सोसाइटी उसके बिहेवियर से बताती है कि और मेल और फीमेल और ट्रांस ब्ला ब्ला जो भी हो आप ठीक है सो जब ये सोसाइटी ही एक बच्चे को सिखाती है कि तुम एक लड़की हो तुम एक लड़के हो तुम एक ट्रांस हो ठीक है तो जाहिर सी बात है बच्चे से बड़ा होता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई मैं एक लड़की हूँ मैं एक लड़का हूँ मैं ट्रांस हूँ ठीक है तो जब एक लड़का लड़की एक्सेप्ट कर लेते हैं यस आई एम अ गर्ल आई एम अ बॉय ये सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है जब एक ट्रांस जिसको सोसाइटी ने ही सिखाया होता है कि तुम सबसे मुख्तलिफ हो तुम सबसे डिफरेंट हो तुम हम लोगों में से नहीं हो वो बच्चा अपनी तलाश में निकल जाता है कि मेरे जैसे लोग और कौन से हैं वो अपने जैसे लोगों को इस सोसाइटी में देखता है या देखती है ठीक है तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है या लेती है कि यस आई एम ट्रांसजेंडर तो यही सोसाइटी जिसने उसे सिखाया होता है वही घर वाले वही सारे मोहल्ले वाले वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और घर से निकाल देते हैं क्यों ये सवाल को सोचिएगा ज़रूर और उम्मीद करती हूँ कि आपके इस सवाल को सोचने से इस क्यों से आप अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में जितने भी इस तरह के लोग हैं जो डिसेबल हैं जिनके जेंडर का प्रॉब्लम है जो कि ट्रांस हैं या फिर जिनमें वो एबिलिटीज नहीं है जो आप में हैं आप उनकी हेल्प करोगे और उनको अपना जैसे समझ के अपने बराबर पर बिठाओगे थैंक यू सो मच